दोस्तों आज क्या आप अपने वेब ब्राउज़र में ऐसा स्क्रीन देखने को मिल रहा है कि अगर वो कोई ब्राउज़र आप ओपन करते हैं या कोई आप इंटरनेट सर्विस ओपन करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। क्या ये सही है? चलिए हम इसको आपके आज बारे में एलोबरेट करते हैं, बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, आपको करना होगा अपनी हिस्ट्री क्लोज करनी होगी। देखिए हिस्ट्री कहाँ से मिलती है कि आप अपने जो भी ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप कंट्रोल एस दबाएंगे और कंट्रोल एस दबाने पे आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करना होगा। आपकी क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम, मोजिला मोजिला या फायरफॉक्स फायरफॉक्स। आप यहाँ से जाएंगे बैक फ्रॉम, आपको बिगनिंग ऑफ द टाइम शुरू करना होगा, आपको क्लियर डेटा कर देना होगा। तो आप वहाँ पे सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो करना होगा कि आपको जो है डेट टाइम की प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आपको अपना विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 जो भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डेट टाइम भरना होगा। तो सपोज़ कभी कभी यहाँ पे 9 हो जाएगा या कभी यहाँ मंथ और डेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप मंथ और डेट चेंज करके आप जो है इसको प्रॉपर सही कर सकते हैं। तो मेरा मेरा अभी टाइम सही है, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आप ऐसा करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि यानी कि आप डेट और टाइम की हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जा करके आप जो है डेट और टाइम ऑटोमेटिकली सेट करेंगे, वहाँ पे आप जो है आप इसको करने से सही हो जाएगा, ठीक है। तो और थर्ड स्टेप ये है कि आप जो भी साइट खोलते हैं, कि सपोज़ मैं आप फ्लिपकार्ट ही खोल रहे, मैं मेरा एक अपना साइट है अर्ली डाइट, ठीक है। तो ये खुल गया, तो अभी यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये अभी ओपन हो रहा है। तो कभी ओपन नहीं होता तो मैं आपको करना होगा, आपको https स्लैश डबल स्लैश की जगह आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे http लिख देते हैं, ठीक है, https सॉरी http http सॉरी http सॉरी http और डबल स्लैश के साथ में आप, मैं अपना साइट का नाम देता हूँ arlydiet.com, ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये छोटा सा सोल्यूशन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। आप इस स्टेप को फॉलो करिए, 3 स्टेप जो मैंने बताया। पहला स्टेप है आपका जो है हिस्ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा स्टेप यह है कि आप डेट और टाइम यहाँ पे प्रॉपरली अगर मेंशन नहीं होता, कभी कभी जो डेट टाइम सेल वीक होने की वजह से हो जाता है तो गूगल उस चीज़ को सिक्योर नहीं मानता, या आपकी वेबसाइट जहाँ पे सर्वर है उस चीज़ को सिक्योर नहीं मानता, वहाँ से हो सकता है, वहाँ पे आप डेट और टाइम सही कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप जो मैंने बताया है कि आप https की जगह आप http यूज़ भी कर सकते हैं, http भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं उस समय थोड़ा सा भूल रहा था। तो ये 3 स्टेप है, आप फॉलो करिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।